Hi guys, how are you? मैं हूँ दिव्या गुप्ता, आपकी प्लस एजुकेटर. और गाइज, ये थर्ड सीरीज है वीडियो की. मैं ऑलरेडी दो सेशंस कर चुकी हूँ टॉप फाइव इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की, स्टैटिक में और करंट में, राइट. अब ये तीसरा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के टॉपिक्स, टॉप फाइव टॉपिक्स. सबसे पहले स्टैटिक डिफेंस देखते हैं. पहला, शुड एफ्सपा बी रिपील्ड और नॉट. मतलब आपको एफ्सपा के बारे में सब पता होना चाहिए, वो है क्या, कहाँ कहाँ लागू होता है, करंटली कहाँ कहाँ चल रहा है, इसके लिए क्या विवाद उठे हुए हैं इतने सालों से, इसके ऊपर डिस्कशन ही हैं कि हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए. तो आपको एफ्सपा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप CAPF की तैयारी कर रहे हो, इंटरनल सिक्योरिटी ही देखता है, यू नीड टू नो इंटरनल सिक्योरिटी. सेकंड, इंटरनल सिक्योरिटी का ही टॉपिक है नैक्सलिज्म, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी अगेन. सो नैक्सलिज्म, माओइज्म क्या है, कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया और कहाँ कहाँ हमारी कंट्री में है, इसको चैलेंज करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं ठीक करने के लिए, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, किस तरह सॉल्व हो सकती है. तो आप थोड़े से अपनी तरफ से आइडियाज दे सकते हो वे फॉरवर्ड की क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है. थर्ड टॉपिक हुआ पीस मेजर्स इन जम्मू कश्मीर. सो जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, तो जम्मू कश्मीर का क्या सिचुएशन है, दैट इज ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी. तो गाइज, ये हमारे तीन फ्रंट्स हो गए इंटरनल सिक्योरिटी, करेक्ट. एक नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, एफ्सपा जम्मू कश्मीर वाला हो गया, और एक आपका हो गया इंटरनल सिक्योरिटी LWE वाला. तो ये तीन हमारे जो कंट्री के मेन फ्रंट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, जो एज अ CAPF फोर्स आपको टैकल करना होगा, किसी भी जगह पे आपका पोस्टिंग हो सकता है. तो ये हुआ. चौथा, अगेन अभी लेटेस्ट चल रहा है ये इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, अब तो हो चुका है, उसका सीज फायर भी हो गया है, लेकिन ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, तो ये आपको ये पूरा मुद्दा पता होना चाहिए. अगर आपके CAPF ऐसे में नहीं भी आया तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं इसके बारे में, और स्पेसिफिकली इंडिया का क्या स्टैंड है, इंटरनेशनल क्या स्टैंड है, US क्या बोल रहा है, UN क्या बोल रही है, इंडिया क्या बोल रही है, और इसराइल पैलेस्टीन आपको क्या लगता है किस तरह सॉल्व हो सकता है, तो वो ऐसे राइटिंग. और फिफ्थ आपका हो गया क्वाड, अगेन अ हॉट टॉपिक फॉर डिफेंस सिक्योरिटी. क्वाड इंडो पैसिफिक, बेसिकली क्वाड कौन कौन कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, क्वाड क्यों बनाया गया, काउंटरिंग चाइना, इंडो पैसिफिक पे फोकस आ रहा है, तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करके एक ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो एक टॉपिक. माइंड यू, जितने भी मैं आपको टॉपिक्स दे रही हूँ ये कॉमन टॉपिक्स हैं, मतलब इनसे ऐसे भी आ सकता है, इनसे रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है, इनसे आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है. तो आप जब भी कोई भी टॉपिक रेडी करते हो तो इन तीनों के फॉर्मैट्स के अकॉर्डिंग आपको जितना कंटेंट चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, आपकी मेहनत कम लगेगी एक ही बारे में, ठीक है. तो अगर आपने पुराने दो वीडियोस नहीं देखे हैं, करंट और स्टैटिक, वो भी देख लीजिए, और ये डिफेंस सिक्योरिटी. नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, टॉप फाइव टॉपिक्स. सी यू, जय हिंद.